तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि विंग कमांडर अभिनंदन को वापस सौंपेगा पाकिस्तान, सौंपने पर मजबूर होगा पाकिस्तान, क्योंकि कूटनीतिक दबाव भारत की तरफ से बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस बीच पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान के दुर्घटनाग्रस्त विमान की तस्वीरों ने पाकिस्तान की पोल खोली। F-16 विमान के मलबे की तस्वीरें जो हैं वो जी न्यूज के पास है। F-16 जो पाकिस्तान अब तक डिनायल मोड में रहा कि मेरा कोई विमान मारा ही नहीं गया, पाकिस्तानी विमान भारतीय सेना की तरफ से मारा ही नहीं गया। MiG-21 ने जो F-16 को मार गिराया था उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ी खबर इस वक्त की, F-16 जो मार गिराया गया था, जो अब तक पाकिस्तान मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, जो पूरी कहानी जो गढ़ी गई थी पाकिस्तान की तरफ से, ये तस्वीरें उसकी पोल खोलती हुई कि पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकत करने की कोशिश की गई, जो भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की गई, एयर स्पेस को इंट्रूड करने की जो कोशिश की गई, उसका जवाब ये था। F-16 को जो मार गिराया गया था उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पाकिस्तान का एक और झूठ लगातार आप देखिए, पाकिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्री जो है वो झूठ पर झूठ प्रचारित कर रही है। प्रोपेगेंडा जबरदस्त तरीके से चलाया जा रहा है, पुरानी तस्वीरें दिखाकर अपना झूठ जो है वो प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन ये F-16 की तस्वीर नहीं दिखाएगा पाकिस्तान, क्योंकि इससे पता लगेगा कि पाकिस्तान का ऑपरेशन फ्लॉप रहा था। कल जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने करने की कोशिश की थी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अटैक करने की कोशिश की थी, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था। F-16 विमान के मलबे की तस्वीरें जी न्यूज पर हैं। कल आपको बता दें जो पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था जिसमें एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की थी भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, जो F-16 आया था उसको भारतीय सेना ने मार गिराया था। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये F-16 का मलबा है? मनीष, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं F-16 का मलबा है? जी हाँ बिल्कुल, ये अब क्लियर हो चुका है कि जो MiG-21 था, जिसमें जो हमारे MiG-21 ने तीन जो F-16 जो पाकिस्तान के फाइटर प्लेन थे, जब हमारे इलाके में दाखिल हुए थे तो श्रीनगर से 6 MiG-21 उड़े थे उसको चेज करने के लिए, और उसमें से एक MiG-21 ने पाकिस्तान के F-16 को कल ही हिट किया था, जिसके बाद ये सोचा जा रहा था कि